मैं मूल निवासी जय भारत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एवन टीवी। एवन टीवी के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है खबरों का उड़न खटोला, जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की खबर। हरियाणा के झज्जर में वाम से एवं भारत मुक्ति मोर्चा का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भारी कामयाबी के साथ संपन्न। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हुए राष्ट्रीय प्रचारक माननीय वीएल मातंग ने कहा कि उद्देश्य पूर्ति के लिए लगानी होगी जान की बाजी। बीजेपी के नेता हैं कि मानते नहीं, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है इसका नजारा आगरा दौरे के दौरान तब देखने को मिला जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे की 50 गाड़ियां टोल टैक्स पर बगैर टैक्स दिए ही निकल गई। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं सांसद हूं और टोल फ्री हूं। और कोई सवाल, मैं सांसद हूं और मैं टोल फ्री हूं। उत्तर प्रदेश के बदायूं मुरावन नंगला में वाम से भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का संयुक्त एक दिवसीय कैडर कैंप प्रदेश प्रभारी माननीय विकास चौधरी की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। इस एक दिवसीय कैडर कैंप में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में रावण दहन का जोरदार विरोध। नाराज आदिवासियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा रावण दहन बंद करो, रावण दहन से आहत होती हैं हम आदिवासियों की धार्मिक भावनाएं। ये चाहते हैं कि जो रावण दहन चल रहा है वो बंद हो जाए, क्योंकि आदिवासी समाज के आराध्य देव हैं और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की अवहेलना की जा रही है और मैं चाहता हूँ। नागपुर में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का दूसरा राज्य अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न। इस विशाल राज्य अधिवेशन की अध्यक्षता बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय बी एस हस्ते ने किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। प्रदेश में हो रही लगातार रेल हादसों के बाद भी रेलवे सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कानपुर में एक ही पटरी पर दौड़ने वाली 3 ट्रेनों का मामला थमा नहीं था कि उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर रेलवे स्टेशन पर टूटी पटरी पर दिनभर ट्रेनों का आवागमन का दूसरा मामला प्रकाश में आया है।